हेलो इन्वेस्टर्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर सरस्वती सारी डिपॉट आईपीओ क्या ओ लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली और लिस्टिंग वाकई में काफ़ी बढ़िया होती हुई देखने को मिली है स्टॉक 31 परसेंट ऊपर एन में और 28 परसेंट ऊपर आपको बी पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिला बढ़िया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आप कह सकते हैं सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी नेगेटिव हो गए थे इस आई के कि क्योंकि क्यूआई बीज ने सिर्फ सिक्सटी फोर टाइम्स आईपीओ को भरा था तो अब डेफिनेटली क्यूआई बीस का पार्टिसिपेशन काफी जरूरी है आईपीओस के अंदर लेकिन अपर सर्किट लगा है पांच परसेंट के इसमें लिमिट है बीई के अंदर ये कारोबार कर रहा है तो क्या यहां से ढाई सौ रुपए का आंकड़ा शेयर छू पाएगा और क्या होंगे इक्कीस अगस्त यानी कल के लेवल सब पर बात करेंगे एनएससी और बी एस सी दोनों से पर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए अपने एडवाइजर की सलाह लेकर ही किसी शेयर में खरीदारी या बिकवाली करें शुरुआत करें सरस्वती के लिस्टिंग के साथ तो बेसिकली

देखने को मिला है जी हाँ दोनों शेयर्स में अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है एन और बी दोनों काउंटर्स में एंड ओवरऑल बाजार की बात करेंगे तो निफ्टी फिफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी दोनों में आज अच्छी रेजी बनती हुई देखने को मिली है कुछ लेकिन स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर आज कुछ खास मोमेंटम यहाँ पर नहीं नजर आया बाकी ओवरऑल यहाँ पर वॉल्यूम वाइज अगर अपन देखेंगे तो एन पर फोर लाख ,00 ,00 की वॉल्यूम फोर्टी लाख की वॉल्यूम होती हुई देखने को मिली है और फोर मिलियंस ,00 की वॉल्यूम यहाँ तो पर आई है तो डेफिनेटली एन पर ज्यादा कारोबार होता हुआ देखने को मिला है बाकी बी में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दस लाख छब्बीस हजार छह सौ साठ की वॉल्यूम अपने को बी पर आती हुई देखने को मिली है और बी में मोमेंटम जो था वो काफ़ी बड़ा होता हुआ देखने को मिला जी हाँ वन का लो लगाया स्टॉक ने और वन का अपर सर्किट लगा स्टार्टिंग में अपर सर्किट लग गया था और थ्रू आउट द डे अपर सर्किट टिका हुआ है तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है और कल चांस वेरी हाई ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं एटी परसेंट चांसेस है कि कल भी शेयर आपको अपर सर्किट पर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा आगे हम बात करेंगे कि कितने रुपए का अपर सर्किट है तो शुरुआत करते हैं यहां पर दोस्तों अपर सर्किट लेवल्स के साथ तो बेसिकली एनएससी पर स्टॉक की जो क्लोजिंग आई है वो दो सौ पर आती हुई देखने को मिली है और पांच के सर्किट फिल्टर के हिसाब से कल जो आप कह सकते हैं प्री ओपनिंग आ सकती है इस काउंटर की वो रुपए पर आ सकती है एनएससी पर दो सौ पैसे पर एंड बी की अगर बात करेंगे तो बी पर दो सौ पर अपर सर्किट लगाया और हो सकता है कल भी अगर स्टॉक अपर सर्किट पर खुलेगा तो दो सौ पैसे पर अपने को बेसिकली आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है कल के दिन तो जिन जिन लोगों ने डेफिनेटली खरीदारी करी है उन लोगों को ये काफी इंपॉर्टेंटली जानना होगा क्योंकि आई थिंक अभी आप देख सकते हैं क्योंकि जब भी कोई आईपीओ सौ गुना से ज्यादा बढ़ता है और एक छोटी आप कह सकते हैं प्राइस बन वाला आईपीओ होता है तो उनमें मोमेंटम डेफिनेटली बड़ा होता है और सिमिलरली मुझे भी यही लग रहा है कि आने वाले एक या दो दिन हो सकता है शेयर अपर सर्किट में रहे बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा जो पांच दिन है पांच अगले ट्रेडिंग सेशन है उसमें आप वेट करें खरीदारी या बिकवाली ना करें अगर उस पांच सेशन में स्टॉक टिक गया दोस्तों दो सौ के ऊपर तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात होगी और उसके बाद अपन इमीजिए 220, 240 टू फोर्टी एंड टू तक के भी लक्ष्य यहाँ पर इस काउंटर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं तो ओवरऑल अगले पाँच दिन सिर्फ वेट एंड वॉच की कैटेगरी में दोस्तों मैं सरस्वती के शेयर्स को रखना चाहूँगा एंड अभी आई थिंक सो मार्केट भी अच्छा ट्रेड कर रहा है ओवरऑल 24,700 के लेवल्स पर अपने को निफ्टी क्लोज होता हुआ देखने को मिला है तो ओवरऑल मार्केट से अच्छी इंडिकेशन है लिस्टिंग बढ़िया हुई है और बस अपर सर्किट अगर आप देखेंगे पाँच परसेंट से अगर बीस परसेंट पर चल जाएगा तो वो स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है तो होप सो so, आपको वीडियो पसंद आया होगा ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर एंड वॉचिंग दिस वीडियो हाँ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए था अपने एडवाइजर की सलाह लेकर करी खरीदारी को ले करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो